अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, पिछले व्लॉग्स में मैं बता चुकी हूँ कि हमने शिफ्टिंग करी है घर में। अब जब शिफ्टिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सेटिंग चेंज करनी होती है, और यहाँ लेने थे हम लोगों ने सोफ़ा सेट। तो हम सोफ़ा सेट के लिए आ गए थे फर्नीचर मार्केट, और यहाँ का हम कर रहे थे विज़िट। और यहाँ पे आजकल क्या क्या इन है, मोस्टली आजकल तुर्किश सोफ़े, वेलवेट के जो सोफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इन है। तो मैंने कहा आपको थोड़ा आपको रिव्यू करवाया जाए, रिव्यू करवा दूँ आपको मैं इन सोफ़ों के बारे में, और दिखाऊँ मैं आपको। तो जी ये थे, ये भी एक डिज़ाइन दिखा था, ये सबसे प्यारा डिज़ाइन था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे कमरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते और कमरा बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हमने ये डिज़ाइन चूज़ नहीं करा। खैर, हमने सोफ़े पसंद कर लिए थे, और यहाँ पे फिर हम उनके गोदाम से उतर के जब नीचे की शॉप में आए तो ये कुछ बेडरूम सेट्स थे। तो बेडरूम सेट्स भी दिखा दूँ कि आजकल किस तरह के इन हैं, किस तरह के इन हैं। यानी यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स के भी कुछ डिज़ाइंस थे, ये देखिए ब्लैक में बेडरूम सेट, ये देखिए। और ये अखरोट पैटिक्स पे बोल रहे हैं कि ये बेडरूम सेट था, और ये बेडरूम सेट है बहुत ही प्यारा सा, और दूसरा ही सेम उससे मिलता जुलता ही डिज़ाइन है। मतलब इस तरह के बेडरूम सेट आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो बस यहाँ पे जो है ये कहते हैं हम थोड़ा व्यू ले रहे थे इसका, थोड़ी वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। और बस यहाँ से जो है क्या कहते हैं अब हम रवाना होंगे घर पर। और जब हम घर पहुँचे तो हमारे सोफ़ों की डिलीवरी हो चुकी थी। जो हमने सोफ़ा सेट पसंद करा उसके साथ हमने मैचिंग की ब्लैक और सिल्वर कंट्रास्ट में हमने टेबल ली थी, बहुत प्यारी टेबल थी ये, पूरी वुडन की थी, ऊपर ग्लास लगा हुआ था। और सोफ़े हमारे जो आजकल तुर्किश वेलवेट के चल रहे हैं वो ऐसे हमने 7 सीटर सोफ़े देखे थे। अभी तो मैं आपको एक रफली सा व्यू दे रही हूँ, जब हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा तो कंप्लीट मैं टूर दूँगी ड्राइंग रूम का। तो बस ये हमने लाकर यहाँ पर रख दिए थे, और ना हमने अभी इसकी पैकिंग रिमूव करी थी, ना कुछ करा था, अनपैक बिल्कुल नहीं करा था इसको, क्योंकि बहुत लाइटर था, ग्रे कलर था, उसका कलर ख़राब ना हो जाए, सोफ़े गंदे ना हो, तो इसलिए अभी हमने इनको पैक नहीं करा था। इसमें हम सोफ़ा कवर लगाएंगे, फिर उसके बाद इसकी अनपैकिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारे सोफ़े आ चुके थे, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा खुश थे। और बस ये जी जनाब, ये थोड़ा सा हमारे ड्राइंग रूम का हल्का फुल्का सा टूर है। टेबल इसकी मुझे बहुत प्यारी लगी, रिलायबल थी, लकड़ी की बनी हुई थी, और बस इस पर ग्लास था, तो इसकी ये नहीं कि जो ना कहते बहुत ज़्यादा इसके टूटने का खदशा हो। ये सुफियान साहब से मैं व्यू ले रही थी कि आपको कैसे सोफ़े लगे, अच्छे हैं, कैसे हैं, ये हैं, तो बड़े खुश थे, वो कह रहे थे ये मेरे सोते हैं और अच्छे हैं। तो बहुत खुश थे वो सोफ़े पे बैठकर। और बस ये जो है जनाब, अब 2000 years later. आप सोफ़ा सेट तो हम ले लिए थे, सोफ़ा सेट लेने के एक हफ्ते बाद हम मार्केट के लिए निकले थे सोफ़ा कवर और बेड मैट्रेस कवर लेने के लिए। तो हमने कहा कि पर्दे भी देख लिए जाएं, और यहाँ पे कुछ पर्दे थे जैकार्ड पे, तो थोड़े पर्दे देखे जाएं, उनके डिज़ाइंस वगैरह के आजकल क्या इन है, क्या आउट है, उनके रेंज मालूम की जाए, और फिर मशावरत से जो है ये पर्दे परचेस किए जाएं। अब यहाँ पे हम एक शॉप पे आ चुके थे, और यहाँ पर ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये देखिए सारे वेलवेट के पर्दे, ये जो पर्दा था बहुत प्यारा फैंसी सा पर्दा था, ये इसमें बंचेस बने हुए थे जिसमें बीट्स लगे हुए थे, नेट का पर्दा था, और नीचे अस्तर जो है इसके नीचे सिल्क का था, बहुत खूबसूरत पर्दा था। और इस पर्दे को आप चाहें तो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, हमने कस्टमाइज़ भी करवा के देखा अपने सोफ़ों के अकॉर्डिंगली। बन जो है ब्लैक कलर का हो गया, तो नीचे अस्तर आ जाएगा ग्रे कलर का, तो बहुत प्यारा पड़ता था ये। अब देखिए आप कौन सा डिसाइड होता है और कौन सा पसंद किया जाता है, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो बस यहाँ पे जनाब ये पर्दा मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसके साथ ये डिसेंट सा पर्दा था, फैंसी नहीं था लेकिन रेंज वही थी, और बहुत ही डिसेंट सा पर्दा था, बहुत प्यारा, ये भी बहुत प्यारा लगा था। और जनाब हमने हर तरह के पर्दे देखे, यहाँ पे नेट के भी पर्दे मौजूद थे, साथ ही साथ जेकार्ड के थे, वेलवेट के थे, और जो है वेलवेट के पर्दे बहुत ज़्यादा भारी थे कि उनको कैरी करना, उनकी क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो पर्दे ऐसे लेंगे जो इजी टू कैरी हो जाए, उनको जो है क्या कहते हैं आप बासानी जब गंदे हो तो वॉश भी कर सकें। तो यहाँ पर बहुत सारी पर्दों की वैरायटी थी, और यहाँ पर देखें ये भी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्का फुल्का सा। यहाँ पे हमने रग्स और मैट्स वगैरह देखे, और रग्स और मैट्स वगैरह देखकर हमने जो है ये कहते हैं
हमने जो है फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट को विज़िट करा, उसके बाद हमने सोफ़ा कवर और बेड कवर लिया और हम अपने घर को आके। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।